इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिर सीएए का जिन बोतल से बाहर तमाम सेक्युलर और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को चौकन्ना होना चाहिए। तकरीबन एक साल पहले इसी महीने में 2019 में भारत के ऐवान में एक काला कानून पास किया गया, शहरियती तरमीम कानून के नाम पर एक मखसूस समाज माशरे को निशाना बनाने के लिए पहले एनआरसी फिर सीएए को पास किया गया, जिसकी मुखालिफत मुल्क भर में की गई। सभी जानते हैं किस क्रोनोलॉजी के तहत इस काले कानून को पास करने के बाद ऐवान में खुद वजीर दाखिला यानी अमित शाह ने बार बार दोहरा रहे थे। कई इजलासों में सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर तमाम मजाहिब के लोगों को इस मुल्क में शहरियत बहाल करने की, यह भी कहने से वजीर दाखिला अमित शाह नहीं चूकते थे। इसका मतलब एक बार फिर इसी नफरत के एजेंडे पर भाजपा या फिरका परस्त अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए लौट रहे। वाजह रहे कि एक बार फिर सीएए को नाफिज करने के बाद भाजपा कुल हिंद सदर जेपी नड्डा ने बंगाल में कही है। सभी इस बात से भी वाकिफ है कि मुल्क की मौजूदा हालात क्या है, सीएए एनआरसी को लेकर पूरे मुल्क में किस तरह नफरत का माहौल बनाकर एक मखसूस समाज को अलग थलग करने की कोशिश इन्हीं की तरफ से की गई थी और इन्हें डिटेंशन कैंपों में तक पहुंचाने का पूरा मंसूबा बना लिया था। पर आहिस्ता आहिस्ता इस काले कानून की मुखालिफत शुरू हुई। इसके लिए इनकलाबी इकदाम किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, SC ST OBC सब ने इस काले कानून की मुखालफत की। यूनिवर्सिटियों के तलबाओं ने तारीख के औराकों को सुनहरे हरफों में नक्श कर दिया। जामिया JNU अलीगढ़ से लेकर देवबंद नदवा तक पूरे मुल्क के नौजवान तलबा और तालिबात सड़कों पर उतर आए। तलबाओं ने इस चिंगारी को शोला बनाया। फिर JNU जामिया के तलबाओं ने इस शोले की तपिश को मुल्क भर में महसूस करने दिया। फिर इसमें अहम किरदार निभाया शाहीन बाग की दादियों ने, जिनका नाम आज भी दुनिया के ताकतवर लोगों में दर्ज किया गया है। फिर कुछ संघी विचारधारा के लोग बौखला कर कभी पिस्तौल लेकर लहराते हुए आते थे और दिगर हथकंडे इस्तेमाल किए गए। लोग डर जाए पर हौसले और भी बढ़ते ही गए। दरमियान दिल्ली की फसाद को भी अंजाम दिया गया। किसी तरह से नफरत की आग दहकती रहे, यही इसके पीछे मकसद था। काले कानून की मुखालफत बढ़ रही थी तो वजीर दाखिला ने एक कदम भी नहीं हटने की बात फिर से ऐवान में कही। शाहीन बाग का तस्करा आलमी सतह पर होने लगा। भारत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी पर बैरूनी मीडिया ने भी काफी तंज किया गया। कहते हैं अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला होता है और तमाम मंसूबे जो दुनिया भर में नफरत के चलाए जा रहे थे इन पर पानी फेर दिया गया। कोरोना आलमी वबा ने तो तस्वीर ही बदल कर रख दी। पूरी दुनिया की इंसानियत की मुकम्मल तवज्जो का मरकज अब कोरोना बन गया। दुनिया का हर मुल्क अब कोरोना से इंसानियत को बचाने की फिक्र करने लगा। हालात ऐसे बदल गए कि जालिम और मजलूम का फर्क खत्म हो गया। क्या हाकिम और क्या महकुम, सबको मिलकर किसी तरह कोरोना से बचाने की फिक्र लाहक हो गई। दुनिया ने इंसानी हमदर्दी के ऐसे नज़ारे दिखाए कि जिनकी गोरक्षा के नाम पर लिंचिंग की जाती थी, जिन्हें माशरे में नफरत से देखा जाता था, जिन्हें मुल्क से बाहर निकालने की बात कही जाती थी, वही लोग गरीब भूखे बेसहारों का सहारा बनने के लिए दौड़ रहे। लाखों लोग लॉकडाउन के बाद पैदल तपती धूप में हजारों किलोमीटर की मुसाफत तय कर रहे हैं। मासूम बच्चे गोद में लिए माएँ अपने घर अपने वतन लौट रही हैं। तकरीबन 350 लोग भूख प्यास से सड़कों पर चलते चलते मर गए। कईयों ने कहा कि जहाँ जहाँ अकलियतों के मोहल्ले से गुजरे हमारे खदमात अंजाम दिए गए। कहने का मतलब यह कैसी इंसानियत का सबक इस कौम ने पढ़ाया और कैसी तालीम इन्हें दी गई होगी। जितना भी इनसे नफरत से पेश आओ ये मोहब्बत ही बांटते हैं। भूखों को खाना, प्यासों को पानी पिलाने का मंजर भी सभी ने देखा। कोरोना ने नफरत की दीवारों को गोया पूरी तरह से तोड़ दिया। मोहब्बत की हवाएं इन फिजाओं में चलने लगी। फिर हिंदू मुस्लिम जो इस मुल्क की बुनियाद में है, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है, फिर से उजागर होने लगे। पर फिरका परस्त भी पूरी कोशिश करता रहा। फिर इसने कोरोना के लिए तबलीग जमात को जिम्मेदार ठहरा कर एक माशरे पर निशाना करने लगे। गली मोहल्ला गांव में फिर नफरत के जहर घोलने की साजिश को अंजाम दिया जाने लगा। कोई इन्हें गोली मारने की बात तो कोई देश से बाहर निकालने की बात फिर करने लगे। यहाँ तक कि मोहल्लों में इनका सामाजिक बायकॉट करने के मंसूबे बनाए जाने लगे। मुट्ठी भर लोग किस तरह माशरे को जहर आलूद करते हैं
एक बार फिर देखने को मिला। सब्जी फ्रूट बेचने वाले मुसलमानों को गांव मोहल्ले में जाने से रोका जाने लगा। मोहब्बत पर फिर नफरत की परछाई पड़ने लगी। पर जिनका पैगाम ही अमन हो और अमन को फैलाना हो, जो नफरत नहीं मोहब्बत के ही पैकर हो, अपने खिदमात को फिर अंजाम देते रहे। यहां तक कि कोरोना ने अपने खून के रिश्तों को अलग किया तो मुस्लिम माशरे के नौजवानों ने तारीखी कामों को अंजाम देते हुए अंतिम संस्कार को तक अंजाम दिया। यह कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में मुस्लिम तंजीमों के अफरादों ने हिंदू रस्म रिवाज के साथ आखिरी रसूमात को अंजाम दिया। वाकई कोरोना आलमी वबा ने बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ा सबक जो इस वक्त सिखाया वो था इंसानियत का सबक। कोई माने या ना माने, पर कोरोना के दौर में एक बार फिर इंसानियत जीत गई। पर आज जहां बिहार के चुनाव की सरगर्मियां जारी है, तो भाजपा के जेपी नड्डा ने सीए एनआरसी का कार्ड सियासी मुफाद के लिए खेलना शुरू किया हुआ है। पर फिरका परस्तों को याद रखना चाहिए कि अब भारत बदल चुका है, लोग बदल रहे, सोच बदल रही है। लॉकडाउन कोरोना ने इंसानियत का पैगाम आम किया है, पर देखना यह है कि क्या वाकई इंसानियत पर धर्म मजहब का जहर असर करता है या इत्तेहाद एकता इंसानियत गंगा जमुनी तहजीबी फतह पा लेती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।